विशाल भाई ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। श्रद्धा अगर अपन इसमें x का मान 1 रख दें, क्योंकि x का मान किसके पास जाना है, 1 के पास, x टेंड्स टू 1 मतलब 1 के पास जाना, रखो तो 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0 बटे 0 नॉट डिफाइंड, तो अभी तो नहीं रख सकते, तो फिर क्या किया जाए, क्या पता सर क्या किया जाए, इसको लिखा जाए x प्लस 1 x, और जिसको ये नहीं आता बेटा वो नहीं, तो x माइनस 1 से x माइनस 1। अब आप श्रुति x का मान क्या रख सकते हैं, 1। देखो ये एक रिमाइंडर है कि x का मान क्या रखना है, 1। तो अभी पहुंच रहा था रास्ते में था, अब पहुंच गया, रख दो 1 प्लस 1। जब आपने x का मान 1 रख दिया, फिर आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, x 1 और 1 कितना हो गया 2। समझ आया कि नहीं आया, कि वैसे करा एकदम कैलकुलेटर से, असली अप्रोच वही है कुछ, असली अप्रोच वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आदित्य सर 4 में 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 0 बटे 0 नॉट डिफाइंड, मतलब x का 2 के पास जाए लेकिन अभी नहीं पहुंचाना, तो कब पहुंचाएंगे बोलो, बोला खंड x स्क्वायर माइनस 4 को लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, जल्दी बताओ फटाफट, अरे यार इतना टाइम लग रहा है, x प्लस 2 x माइनस 2 क्या हो गया, x माइनस 2 x माइनस 2, अब रख सकते हैं x का मान 2 रखिए, 2 प्लस 2 ये कहाँ गया, ये बस याद रहा था कि याद रखना है इसका x का मान 2 के पास पहुंचा, पहुंच गया बात खत्म, 2 और 2 4, समझ में आया क्या, चलिए हो जाएगा अगला। यहाँ देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2, x का मान 2 रखो, जल्दी बेटा समय नहीं है, हाँ 0 बटे 0 बात खत्म। वैसे तो आप लोग सब होशियार हैं, आपकी क्या तोहिन करें हम, फिर भी आप में से अधिकांश लोगों को ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र याद नहीं होगा, याद है ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, यहाँ 2ab नहीं है ध्यान रखना, यहाँ ए बी है। चलो बेटा सोनू इतना सारा अध्याय कहाँ मिलेगा, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर, समझ आया कि नहीं, कि आठवीं कक्षा में हो सूत्र लगाते हैं x माइनस 2 x माइनस 2, जैसे ही कैंसिल, जैसे ही, अब आप x का मान 2 पहले ही रख सकते थे, अब रख सकते थे 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, समझ में आया, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ओ सॉरी माइनस 2, देखो लिखा है माइनस 2, दिखा क्या नहीं दिखा, बहुत स्लाइड सा लिखा होगा, एक बार देख ले यार भाई क्या है, चलो रखो x का मान माइनस 2 रखो, जल्दी आ जाते माइनस 2 का क्यू माइनस 2 का क्यू माइनस 8 प्लस 8 0 माइनस 2 प्लस 2 0, तो फिर क्या किया जाए, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x का क्यू प्लस 2 का क्यू अपॉन x प्लस 2। अब बच्चों अगर आप जिंदा हैं तो किस किस को पता है ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र, फिर से बोलो ए क्यू प्लस बी, अरे यही है बड्डे यही सूत्र है, ए प्लस बी जैसे यहाँ ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे देख रहा हूँ बड़ा दिक्कत है, देखो भैया यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो यहाँ, चलो भैया एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर और x प्लस 2 x प्लस 2 से x प्लस 2, अब श्रुति x का मान माइनस 2 तुम रख सकते हो, माइनस 2 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस 2 और 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 12 माइनस 2 माइनस प्लस, समझ में आया दोस्तों। यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये कोई भी क्वेश्चन कठिन तो है ही नहीं, बस आपको तो ध्यान देना है कि चार रखिए x का मान, जल्दी रखिए सर 4 चौके 16 चौके नीचे 14 गए 0 4 चौके 16 में 16 गए 0, लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर x क्यूब माइनस 4 का, अब यार कितनी बार हम तुम्हें सूत्र बताएं तुम पे तो बने नहीं रहा है, x माइनस 4 x प्लस 4 है एकदम, x माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 4 x प्लस 4 का, अभी भी नहीं आया समझ में, बेटा आप बड़े हो गए हो आपको इसे तो लगा जाना चाहिए, आप प्लीज़ को बार बार करें सवाल को, जैसे को मैं डायरेक्ट लगाया लिखा तो नहीं बाजू पे, ये क्या हो गए, अब आप x का मान 4 रख सकते, 4 प्लस 4 4 का स्क्वायर
चार, चार का स्क्वायर, चार और चार आठ, चार चौके चार चौके चार चौके सोलह, सोलह 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 अड़तालीस। समझे? चार दूरी आठ से कट जाएगा, आठ एक अब आठ, आठ छः के अड़तालीस। समझे के नहीं? अब देखो यू गिव ध्यान, आई गिव क्या, ठीक है, ध्यान दो जरा। ये हो जाती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? क्योंकि हमें x की घात चार कोई सूत्र नहीं पता, पता भी नहीं करना। एक बात किसी को आया मेरी बात समझ में? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और चार का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस चार, एक्स स्क्वायर प्लस चार। थक गए क्या? अब चार को क्या लिख लेंगे आदित्य भैया? अरे बोल दो यार, बुरा नहीं मानो। दो का स्क्वायर फिर क्या कर लेंगे आदित्य भैया? अब इसको भी लिख ले रहे दो का क्यूब। चलो खोलो जल्दी स्पीड में, x माइनस दो एक्स प्लस दो। इसको नहीं खोला आपने सूत्र को, ये कोई सूत्र ही नहीं होता है इसका प्लस बी इसका। चलिए ए क्यू माइनस बी क्यू, एक्स माइनस दो एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस दो का स्क्वायर। अब ये हो गए क्या? और जैसे ये क्या हुए, अब आप x का मान क्या रख सकते हैं? दो, दो प्लस दो, दो का स्क्वायर प्लस चार, दो का स्क्वायर प्लस दो दूरी प्लस दो का स्क्वायर। आदित्य सर दो और दो चार, दो दूरी और चार आठ, दो दूरी चार, चार चार बारह, चार एक अब चार, चार तीन बारह, आठ बटे तीन। समझ में आया क्या? देखो जरा, आठ एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन सोलह एक्स स्क्वायर माइनस सोलह एक्स का चार माइनस वन, और एक्स का मान कितना रख रहा है? एक बटे दो। आया सर इसको लिखेंगे टू एक्स का होल क्यूब माइनस वन का, इसको फोर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। कर लोगे? गारंटेड करना है, ये एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंगे बच्चों। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि। आपको बस जो बहुपद दिया है उसके गुणनखंड तोड़ना आना चाहिए, जैसे कि इसके छः और पाँच गुणनखंड तोड़ना आते हैं। छः में से पाँच गए तो एक, और छः पंचे तीस, इसमें से छः क्या आ जाएगा? कॉमन, एक्स प्लस सिक्स माइनस पाँच कॉमन, एक्स प्लस सिक्स, सब में ऊपर से क्या कॉमन आ गया? एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस पाँच बटे एक्स माइनस फाइव से एक्स माइनस फाइव। अब आप एक्स का मान क्या रख सकते हैं? पाँच रख दीजिए, पाँच प्लस छः कितना आ गया? ग्यारह। तो कुछ नहीं करना है, हर सवाल में क्या तोड़ना है? गुणनखंड। गुणनखंड तोड़िए, आपका सवाल हो जाएगा। जो सवाल ना बने वो प्लीज़ मुझे बताएं कि सर ये वाला सवाल मुझ पर नहीं बना है। सही है? एक सवाल और देखिए ज़रा, यहाँ पे लिखा आदित्य। अब आदित्य को अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है तो अभी आप x का मान a नहीं रख सकते। क्यों? a माइनस ए क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या का सूत्र होता है? x माइनस ए का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ में? तो x माइनस ए तो x माइनस ए क्या बचा? x माइनस ए। अब आप x का मान a रख सकते हैं। रखिए a माइनस ए कितना आ गया? जीरो। जीरो आएगा, जीरो संख्या है, डिफाइंड, कोई आप परिभाषा थोड़ी है। समझ में आया? दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस थ्री अंडर रूट x माइनस वन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। आप समझिए कि जब x का मान आप एक रखेंगे, दो एक कम दो में से तीन गए माइनस एक, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ रखेंगे तो एक का वर्गमूल एक, और एक में से एक गया जीरो। वैसे यहाँ दो एक कम दो प्लस एक तीन में से तीन गए जीरो, जीरो बटे जीरो बन जाएगा। तो प्रॉब्लम इससे है ना कि इससे। अब हम इसके गुणनखंड तोड़ेंगे प्रिंसी। टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, बाकी हम आप लिखेंगे। एक्स क्या आ गया? कॉमन। टू एक्स प्लस थ्री माइनस वन कॉमन, टू एक्स प्लस थ्री, सब में से क्या कॉमन? टू एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ से शुरू होती है ज्ञानी पाड़े लोगों का ज्ञान। वो भांति भांति प्रकार का ज्ञान लगाते हैं। जैसे पहला ज्ञान वो लगाते हैं कि अरे ये मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ दो एक्स प्लस तीन होगा। का हो जाए उसे जी, कट भी गए तो एक्स को मान एक रखो तो अंडर रूट एक में से एक गए जीरो, एक में से एक गए जीरो, जी तो कट नहीं रहे। इसे जब ऐसे ज्ञान नहीं लगाना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। और दिमाग ये कहता है कि इस एक्स को लिख लो, अगली स्टेप में, स्टेप में तो वन खंड निकाले हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। समझ आया बच्चों? है थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, हल्का सा, पर इतना भी खास कुछ नहीं है। चार पाँच लोगों ने कर लिया तो मतलब
अगर सब लोग एफर्ट लगाते सब लोग कर पाते। फिर बेटा वही क्या आ गया बेटा, अंडर रूट एक्स माइनस वन, अंडर रूट एक्स प्लस वन, और ये लिखा अंडर रूट एक्स माइनस वन। समझ में आया क्या? अब ये क्या हो गया? अब आप एक्स का मान एक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रखिए एक, रखिए दो एकम दो माइनस तीन, यहाँ देखिए दो एकम दो प्लस तीन और अंडर रूट एक प्लस एक, दो में से तीन गए एक, सॉरी माइनस एक, दो तीन पाँच, और ये हो गए कुछ अंडर रूट एक एक, एक और एक दो, एक बटे दस। समझ आया? एकदम सरल है, बस यहाँ आके थोड़ा सा मान क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन है जिसमें एक्स टेंस टू करणी दो है। आप सभी जानते हैं कि करणी दो की घात चार, मतलब करणी दो करणी दो करणी दो करणी दो 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 दुनी चार, तो जब हम करणी दो रखेंगे तो करणी दो की घात चार, चार में से चार है जीरो, करणी दो का स्क्वायर दो तीन, एक्स का मान करणी दो करणी दो ये अलग से लिखा है ना बेटा आठ, करणी दो कितना हो गया दो तीन दो प्लस छः आठ माइनस आठ वही जीरो बटे जीरो। ये बात हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि अगर जीरो बटे जीरो का फॉर्म नहीं बनता है तो फिर आप कुछ नहीं करना चाहिए, कोई नहीं, सीधा मान रखना चाहिए। सीधा क्या रखना चाहिए? मान, ये रूल है, ठीक है। ऐसे मन में से गुणनखंड नहीं तोड़ने पड़ते हैं, ठीक है, कि मन से गुणनखंड लगे तोड़ने के लिए ऐसा नहीं करना है मन को। तो सुनो भाई, अब हम एक एक करके कर लेते, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, फिर भी मैं चूँकि स्पेशली ये देखो यही लिखा है साहिल, हाँ तो भैया आठ क्या गुणा करने पे कितने आ जाए आठ, और जोड़ने पर सॉरी घटाने पर करणी दो, बहुत सिंपल है, चार करणी दो में से करणी दो घटा दो, घटाओ कितने बचेंगे तीन करणी दो, और गुणा करोगे करणी दो में दो चार दूनी आठ, कितना सरल तो है, नहीं है कि नहीं भैया बता दो। चलिए तो खुश हुए, एक्स स्क्वायर चार करणी दो एक्स माइनस करणी दो एक्स माइनस आठ, सही है, आपकी सुविधा के लिए लिख लेते हैं चार दूनी आठ, चल जाएगा चार दूनी आठ। बाकी इसको लिखना है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, बोर करते हैं मुझे ये सवाल, कुछ खास दिमाग होता नहीं है। एक्स क्या आ गया, एक्स प्लस चार माइनस करणी दो कॉमन, समझ रहे नहीं समझ रहे, लफड़ा तो नहीं कर दी अपन कुछ, हाँ तो यहाँ चार करणी दो रहेगा वो तो ठीक है, यहाँ भी क्या बचेगा चार करणी दो। अब बताइए फिर, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स स्क्वायर प्लस दो, अच्छा यहाँ से क्या कॉमन आ गया खुशबू बेटा, एक्स प्लस चार करणी दो एक्स माइनस करणी दो, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस दो को क्या लिखेंगे खुशबू, एक्स माइनस करणी दो एक्स प्लस करी, समझ में आया, दो को करणी, बाकी ये तो जो का ये क्या हो गए, और जैसे ये क्या हुए अब आप x का मान क्या रख सकते हैं, करणी दो रख दो, हाँ ये बोल रहे हैं करणी दो प्लस करणी करणी दो का स्क्वायर दो, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ, प्लस दो x का मान करणी दो प्लस चार करणी दो, ये हो गए पांच करणी दो, करणी दो करणी दो दो करणी दो चार करणी दो से करणी दो, सर तो है बेटा ध्यान दो ज़रा, यहाँ पर आपके सामने एक व्यंजक लिखा है, लिमिट लगी हुई है, गुणनखंड तो नहीं कोई गुंजाइश नहीं, कोई व्यंजक द्विघाती है ही नहीं, तो ये बहुत मज़ा आता है इस सवाल में, आप खुद भी कहेंगे हाँ यार ये तो गुजारिश वाला सवाल है, इसका लघुत्तम ले लीजिए आप, गुणा सही करेंगे देख लो यार भाई यार आए तो नहीं देख रहा है तो गुणा सही करेंगे नहीं करे, हाँ तो वन से वन एक्स से एक्स, एक्स का मान कितना रखना है एक, जीरो बटे एक्स माइनस वन बटे वन माइनस एक्स, अब वो तो यार अंश में जीरो है, मतलब क्या बचेगा यहाँ पे जीरो, अब आप चाहें तो एक्स का मान एक रख सकते हैं, लेकिन कहाँ रखेंगे कुछ है नहीं, तो आंसर आ गया जीरो। नहीं आया समझ, नहीं आया ऐसे करो आगे ऐसे कह रहा नहीं आया ऐसे थोड़ी होता है, समझ गया ना ईजी एकदम आया तो भाई। अच्छा गौरव यहाँ देखो बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस टू, गौरव अगर हम यहाँ अभी माइनस टू रख दें
क्या रख दें, तो होगा क्या श्रुति कि ये वन अपॉन माइनस टू और ये प्लस वन अपॉन टू, ये कैंसिल हो गए जीरो, माइनस टू प्लस टू भी क्या हो जाएंगे जीरो, अनंत आ जाएगा। लेकिन अगर हम लघुत्तम ले लें, लो लघुत्तम टू प्लस एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, समझ में आया क्या? टू एक्स कहाँ आ जाएगा, नीचे, टू प्लस एक्स टू एक्स एक्स प्लस टू, समझ आया बेटा? अब हम तुम्हें क्या बताएं कि जो टू प्लस एक्स है वो ये एक्स प्लस टू है, तो ये हो गया भैया, और जैसे ये कैंसल ए माइनस टू है, एक्स का मान क्या रख सकते हैं माइनस टू इंटू माइनस टू मतलब वन, समझ में आया? तो कुल मिला के ऐसा है कि लघुत्तम ले लो, सारी दुनिया की टेंशन है क्या हो जाएंगी समाप्त, कुर्सी पे लिखने से कुछ नहीं होगा, बोर्ड पे देखना पड़ता है ना। चलिए ये देख लीजिए क्वेश्चन, सही लिया बेटा लघुत्तम अपन ने, गौरव x प्लस तीन एक्स माइनस तीन, तीन से तीन क्या हो गया टू एक्स, एक्स प्लस तीन एक्स माइनस तीन एक्स स्क्वायर माइनस नौ, और इनटू में भी एक्स स्क्वायर माइनस नौ, ये क्या हो गए, और जैसे ये कैंसिल आप x का मान तीन रख सकते हैं, दो तीन छः, समझ आ गया बच्चों? अब देखिए ये क्वेश्चन है जो दिखने में बहुत कठिन लगता है, पता नहीं है कि नहीं कठिन है क्या खुशबू, किया है तुमने तो फिर कैसे पता तुम्हें, दो मिनट का टाइम दीजिए और आनंद लीजिए सवाल का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसमें से x कॉमन x माइनस वन, इसकी गुणनखंड तोड़ने के लिए इसमें से x क्या ले लिया कॉमन, बहुत कम बच्चे सुनते हैं, सही है बेटा? अब मैं थोड़ा सा ये समझ के कि आप लोग ग्यारहवीं कक्षा के मैथ्स के विद्यार्थी हैं, एक स्टेप कर रहा हूँ, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, गुणनखंड टूट जाएंगे ना, ये और ये क्या आ गए कॉमन, क्या आ गए बेटा, और कुल मत घबराएं, आराम से सवाल करें, एक्स टेंड्स टू जीरो और एक्स माइनस वन क्या रहे कॉमन, तो वह त्रयक गुणा हुआ केवल इसका, इसमें सही है, करिए x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन में आ जाएगा x माइनस टू, ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, x माइनस टू का होल स्क्वायर होता है माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस वन, थक गए क्या, थक जाओगे, x टेंस टू क्या जीरो ही था, वन था, ये जीरो लिखने की बड़ी बुरी आदत है, एक्चुअल में क्या है बेटा, अभी आगे जाके पढ़ाएंगे तुम्हें, उसमें हर सवाल में x टेंस टू जीरो होता है, तो हमें क्या माइनस वन है, वन बुरी बड़ी बुरी आदत है, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसका ना, चार में से एक गए तीन, अब भैया है कोई दुनिया में जो गुणनखंड तोड़ दे, कोई नहीं है, सब गए, तोड़ दो जरा इसको गुणनखंड, आएंगे आएंगे तोड़ो, आएंगे आ जाएंगे, करो तोड़ो तोड़ो, तीन और एक, एकदम सही जवाब, एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन, अब आप एक्स का मान एक रख सकते हैं, एक माइनस तीन एक, एक माइनस दो, निकिता माइनस दो एक इंटू माइनस एक, तो माइनस से माइनस ये आ गया दो, सही कर लेते तुम लोग। यहाँ पर एक बहुत बेहद ईजी क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया है y स्क्वायर की वैल्यू, क्या दी है y स्क्वायर की वैल्यू, ए एक्स स्क्वायर यही है वैल्यू, हाँ बेटा, और किस चीज़ का मान निकालना है हमें, लिमिट x टेंस टू जीरो, तो सबसे पहले हम y स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू है y स्क्वायर अपॉन x, सबसे पहले हम y स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे बेटा, क्या है वाई स्क्वायर की वैल्यू, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यू अपॉन एक्स, उसके बाद हम इसमें से एक्स क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, अब हम एक्स का मान जीरो रख सकते हैं, ठीक है बच्चों,
ए प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू ए। मैंने काफ़ी सारे सवाल किए जिससे अचानक से हम अपने आपको सहनसा ए आलम समझने लगे हैं, लेकिन हकीकत की बात यह है कि अगर ये आ गया एक्स की घात 11 माइनस ए की घात 11 तो इसके गुणनखंड आप नहीं तोड़ सकते, इसके गुणनखंड आप नहीं तोड़ सकते। फिर कुछ दिमाग लगाओ, द्विपद प्रमेय बनाओ, द्विपद प्रमेय से हर घात सॉल्व होती है। अगर आप द्विपद प्रमेय मुझसे पढ़े हैं द्विपद प्रमेय तो हर घात सॉल्व होती है, लेकिन अभी हाल तो अब हम अगली प्रश्नावली के लिए एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं उस पर शायद सवाल अपन आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन फॉर्मूला आज ही बनाएंगे। फॉर्मूला ये है कि एक्स टू दी पावर एन माइनस ई टू दी पावर एन अपॉन एक्स, मतलब गुणनखंड तोड़े बिना सीधा एन ई टू दी पावर एन माइनस वन। लेकिन पहली बार तो अपन को फॉर्मूला प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, जैसा अपन हमेशा करते आए, आप देखो कब तक ऐसा कर पाते हैं। लेकिन फिर भी तो एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ई टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, थोड़ा सा ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाती है। करना क्या है आपको, एक्स माइनस ए को एच मान लेना, क्या मान लेना है सर, ये क्या है अब बता रहे हैं, एक्स माइनस ए को क्या मानना है एच। तो यहाँ से एक्स का मान क्या आ गया ए प्लस एच, तो ये सारा सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान देना है, जब एक्स का मान ए है, एक्स का मान क्या है तब एच का मान क्या है एक्स माइनस, मतलब ए माइनस ए, एक्स का मान तो ए है ना, ए के पास जा रहा है, तो एच का मान किसके ए माइनस ए। समझ आया नहीं आया, अब करते हैं शुरू। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, बहुत ही टफ लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्योंकि जब एक्स टेंस टू ए है तो एच टेंस टू जीरो है। नहीं बताएं सूत्र है निकाल के, मुझे जरूरी नहीं है मैं तो सूत्र से करा दूंगा फटाफट सवाल, आप कहोगे तो नहीं बताऊंगा। हाँ अब एक्स माइनस ए की जगह क्या है एच, और एक्स की जगह क्या है बेटा ए प्लस एच। अब अगर आप अंधे नहीं हैं तो हालात अभी भी नहीं बदले, आप एच का मान रखिए जीरो, बटे में क्या आ गया जीरो, ए प्लस जीरो ए, ए टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर जीरो बटे जीरो, तो मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक फर्क पड़ गया है, थोड़ा सा पढ़ाने देना है, बहुत टफ तो है, टफ में मना नहीं कर रहा हूँ, ये वन अपॉन एच अलग से लिख ले रहा है कुछ भी, ठीक है चल जाएगा। इसमें से ए कॉमन ले लो, अगर आप द्विपद में पढ़े हैं तो सही है, ऐसे कैसे बड़ा करो ए कम ए, ए का ए से क्या हो जाएगा कैंसर, एन की पावर लगी तो दोनों पे एन की पावर लगा, नहीं आया नहीं आया, ये मैंने आपको द्विपद में भी करवाया करवाया है, और माइनस ए टू द पावर एन। अब ए टू द पावर एन बाहर निकाल लूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए टू द पावर एन अपॉन एच, क्या अभी भी हालत सुधरी है, जवाब है नहीं, रखिए आप एच का मान जीरो, बटे में जीरो आ गया तुरंत अनंत हो जाएगा, अभी जब तक ये ऐसे तक हालत नहीं सुधरे। अब अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था वन प्लस एक्स टू द पावर एन का प्रसार पढ़ाया था, वन प्लस एन एक्स एन एन माइनस वन अपॉन टू का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, याद आया कुछ, एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री का फैक्टोरियल है, जब बड़ी छोटी संख्या होती है शुरू के वाले कितने पद ले लेते हैं दो पद, और फिर एक्स वाले अपन को बताते कि एन कहाँ आ गया है आगे, ताकि एन आगे नहीं आया, याद आया कुछ के नहीं आया, अभी पढ़ाया था 5 साल पहले भूल दो तीन चैप्टर पहले ही पढ़ाया था, देखिए दो चैप्टर पहले, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए बॉस, वन प्लस एन एक्स राइट, फिर एन एन माइनस वन अपॉन टू का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री का फैक्टोरियल एक्स क्यूब डैश डैश डैश, और ये माइनस वन अलग से लिखा है, समझ में आया नहीं आया सर, यहाँ एक्स कहाँ है, हाँ यहाँ एक्स नहीं है, पर ये सर का तरीका है, एक्स की जगह अपन लिख लेंगे अब एच अपॉन ए, तो एक बार मैं क्यों नहीं लिखा, ताकि आपको अपना लगने लगे, क्या लगने लगे ये अपना, यहाँ क्या आएगा एच स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, यहाँ क्या आएगा एच क्यूब अपॉन ए। आदित्य भाई एक से एक एच एच स्क्वेयर एच क्यूब, इसका मतलब है अब प्रिंसी एच क्या आ सकता है कॉमन आ सकता है, आ गया
बचा क्या, n इंटू वन अपॉन ए, n n माइनस वन अपॉन टू का फैक्टोरियल h अपॉन ए स्क्वायर, n n माइनस वन n माइनस टू अपॉन h स्क्वायर अपॉन क्यूब डैश डैश डैश, इस h स्क्वायर के बाद h क्यूब, फिर h की घात चार, फिर अब h से h क्या हो गया, अब आप h का मान क्या रख सकते हैं, जीरो, ए टू द पावर n n अपॉन ए, सही है बेटा, प्लस जीरो, क्यों, और ये सब, हाँ तो ये तो कहाँ गया, अगला बताइए क्यों, एच स्क्वायर है, अगला एच क्यों आया तो वो भी क्या हो गया, जीरो, तो ये सब क्या हो गया, जीरो, तो केवल बचा आपका ए टू द पावर n n ए टू द पावर वन, आधार समान तो घाते घट जाएंगी, भाग है ना, ए टू द पावर n माइनस वन, सही है, हो गया प्रूफ, और इस सूत्र का कमाल अपन अगली क्लास में देखेंगे, x टू द पावर a x टू द पावर n माइनस e टू द पावर n अपॉन x माइनस a का मान होता है n a टू द पावर n माइनस